नमस्कार, मैं प्रिया। आज 30 जून, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के सरकारी स्कूलों में शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स। पूर्व मध्य रेलवे के 12 स्टेशन बनेंगे विश्व स्तरीय। बिहार में 83,300 शिक्षकों की बंपर भर्ती होगी। हेड कोच राहुल द्रविड़ ने रोहित शर्मा को लेकर दिया बड़ा अपडेट। बिहार में मिले कोविड-19 के 100 से ज्यादा मामले। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के सरकारी स्कूलों में शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स। बिहार के 33 जिलों के सभी सरकारी स्कूल में माध्यमिक स्तर से ही वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार चयनित स्कूलों में प्रयोगशाला स्थापित करने का काम हो चुका है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रशिक्षण का काम शुरू हो जाएगा। ट्रेड के तौर पर सुरक्षा, टूरिज्म, रिटेल मैनेजमेंट और ऑटोमोबाइल तय किए गए हैं और एक स्कूल को इसमें से किसी दो कोर्स में पढ़ाई करानी होगी। एक कोर्स में 50 विद्यार्थियों का नामांकन होना है। 9वीं और 10वीं में ये ऐच्छिक विषय होगा। 11वीं और 12वीं में अनिवार्य कर दिया जाएगा। अमीन और राजस्व कर्मचारी के तबादले की इनके पास नहीं होगी जिम्मेदारी। अमीन और राजस्व कर्मचारी का तबादला अब राज्य के किसी जिले में डीएम नहीं कर पाएंगे। इनका तबादला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर केंद्रीकृत तरीके से किया जाएगा। जिस तरह से सीओ, डीसीएलआर समेत अन्य का ट्रांसफर होता है, इस नियमावली के मई 2022 से राज्य में लागू होते ही अमीन और कर्मचारी के कैडर अब राज्य स्तरीय कैडर हो गए हैं और ये सीधे विभाग के अधीन आ गए हैं। इस मामले को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश में सभी डीएम को यह भी कहा गया है कि नियमावली प्रभावित होने के बाद यदि इस तरह का कोई ट्रांसफर किया गया तो उसे स्थगित किया जाए। नियमावली के प्रावधानों के विपरीत बिना विभागीय आदेश के कोई तबादले नहीं होंगे। बिहार में दक्षता परीक्षा फेल होने वाले शिक्षकों के लिए सरकार ने बनाया नया प्लान। बिहार में दक्षता परीक्षा में असफल शिक्षकों को सरकार एक बार फिर से मौका देने जा रही है, जिसके तहत अब इन शिक्षकों को फिर से दक्षता परीक्षा देने की सलाह दी गई है। लेकिन इससे पहले उन्हें एक और काम करना होगा, जिसके तहत यूनिसेफ के सहयोग से राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। 6 से 27 जुलाई तक ये प्रशिक्षण कार्यक्रम राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित होगा। इसमें कुल 300 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में मंगलवार को सभी 38 जिलों के संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण संबंधित स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे नागार्जुन की। वैद्यनाथ मिश्रा को उनके कलम नाम नागार्जुन से बेहतर जाना जाता है। एक हिंदी और मैथिली कवि थे जिन्होंने कई उपन्यास, लघु कथाएं, साहित्यिक आत्मकथाएं और यात्रा वृतांत भी लिखे हैं और उन्हें जनकवि, द पीपल्स पोएट के रूप में जाना जाता है। उन्हें मैथिली में आधुनिकता का सबसे प्रमुख नायक माना जाता है। वैद्यनाथ मिश्र का जन्म 30 जून 1911 को भारत के बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी गाँव में हुआ था। उन्होंने अपना अधिकांश दिन बिहार के मधुबनी जिले के सतलखा गाँव में अपनी माँ के गाँव में बिताया था। बिहार में 83,300 शिक्षकों की बंपर भर्ती होगी। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे बिहार के सभी सरकारी स्कूल अब जल्द ही शिक्षकों से खचाखच भरने वाले हैं। बुधवार को विधानसभा में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के तहत शिक्षा विभाग के अनुदान मांग पर हुए विमर्श के बाद सरकार की तरफ से जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने ये घोषणा की। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के माध्यम से होने वाली इस नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से कुछ भर्तियां तो जुलाई में ही पूरी हो जाएंगी, जिसके तहत ही जल्द ही बिहार में 83,300 शिक्षक, प्रधान शिक्षक और शारीरिक अनुदेशकों की बहाली होगी। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के माध्यम से होने वाली इन नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षक और स्कूल भवनों की कमी का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि अभियान चलाकर शिक्षकों की बहाली की जा रही है। बिहार में मिले कोविड-19 के 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 178 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 993 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 3, अरवल में 1, औरंगाबाद में 1, बांका में 7, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 7, भोजपुर में 1, बक्सर में 1, दरभंगा में 10, गया में 8, जहानाबाद में 1, कटिहार में 2, खगड़िया में 4, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 1, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 3, नालंदा में 1, पटना में 102, पूर्णिया में 1, रोहतास में 2, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 2, सारण में 2, शिवहर में 1, सुपौल में 1, वैशाली में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 4 ऐसे सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो कि बाहर के हैं, लेकिन उनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 131,912 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 130 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। पूर्व मध्य रेलवे के 12 स्टेशन बनेंगे विश्व स्तरीय। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जल्द ही पूर्व मध्य रेलवे के 12 स्टेशन विश्व स्तरीय बनने वाले हैं, क्योंकि इन सभी स्टेशनों के तहत पुनर्विकास परियोजना के तहत विकसित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इसमें दानापुर मंडल के राजेंद्र नगर एवं बक्सर, सोनपुर मंडल के मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं बरौनी, समस्तीपुर मंडल के दरभंगा, सीतामढ़ी बापूधाम, मोतिहारी
पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और धनबाद मंडल के धनबाद एवं सिंगरौली को शामिल किया गया है। इन स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। धार्मिक एवं पर्यटन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गया स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने के लिए अंतिम रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद निविदा जारी की जाएगी। सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों की नियुक्ति के मामले को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत ही सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा के मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने प्रकाश चंद्र मिश्रा द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ किया है कि इस बीच नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। कोर्ट ने फिजिक्स विषय में 5 प्रश्नों की सत्यता की जांच को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करने को भी कहा है। इस मामले पर आगे की सुनवाई 3 सप्ताह बाद की जाएगी। पटना समेत राज्य भर में हुई राहत की बारिश। बिहार समेत राज्य भर में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी समेत राज्य भर के अधिकतर जिलों में बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बारिश के इंतजार में सूख रहे बिचड़ों को भी संजीवनी मिल गई है। बुधवार को राजधानी समेत राज्य के सभी जिलों में कमोबेश हल्के से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई, जबकि राज्य के सर्वाधिक तापमान में भी कमी आई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बिहार में इसका फैलाव अगले 1 हफ्ते में पूरी तरह से हो जाएगा। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून भी तेजी से सक्रिय हो रहा है। यूपी और उत्तराखंड के रास्ते बिहार में भी इसका प्रसार हो रहा है। पटना समेत राज्य भर में राहत की बारिश हुई। पटना समेत दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के सभी जिलों में बारिश से किसानों और आम लोगों के चेहरे खिल गए हैं। बिहार में यहां बने रेल ब्रिज पर एक साथ 5 ट्रेनों का हुआ परिचालन। बिहार की नीतीश सरकार बिहार में एक के बाद एक रेल ओवर ब्रिज बनाने का काम कर रही है। इसी बीच अब रोहतास जिले के सोन नदी पर एक साथ 5 फ्रेट ट्रेनों का परिचालन किया गया। रेल मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी तस्वीर साझा कर दी है, जिसके तहत ही मंत्रालय ने सोन नदी पर बने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेल ब्रिज पर किए गए ट्रायल का एरियल वीडियो को साझा करने का काम किया है। इस वायरल वीडियो को कई नेताओं द्वारा भी शेयर किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ट्वीट कर लिखा कि डबल इंजन की सरकार, देखिए बिहार की प्रगति की रफ्तार। बिहार में नगरपालिका चुनाव की शुरू हुई तैयारी। पटना नगर निगम समेत राज्य के सभी शहरी निकायों के नवनिर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची की तैयारी में काम शुरू हो गया है। वहीं नगर विकास और आवास विभाग में नगर पालिका चुनाव में लगाए जाने वाले मतदान कर्मियों का भत्ता तय कर दिया गया। इसके साथ ही चुनाव के लिए अधिग्रहित करने वाले वाहनों का दैनिक मुआवजा दर भी तय हो गया है। विभाग की तरफ से इसको लेकर सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारियों को इस बाबत पत्र दे दिया गया है। बिहार के एक आईएएस अफसर ने दिया त्यागपत्र। बीते दिन बिहार के प्रशासनिक महकमे में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जिसके तहत ही बिहार के एक आईएएस अधिकारी ने त्यागपत्र दे दिया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग की तरफ से साझा की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार सरकार ने विमलेश कुमार झा की सेवानिवृत्ति के बाद 1 साल के लिए सामान्य प्रशासन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया था, लेकिन उन्होंने 13 जून को ही अपना इस्तीफा सौंप दिया। आज सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विमलेश कुमार झा की सेवानिवृत्ति के बाद सरकार फिर से सामान्य प्रशासन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर 1 साल के लिए नियुक्त किया है। वो 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे। 28 जनवरी 2022 को उन्हें संयुक्त सचिव के पद पर योगदान दिए जाने की तारीख से 1 साल या नियमित प्रोन्नति होने तक के लिए नियुक्त किया गया था। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत में अब बस कुछ ही दिन विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत होने में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है। इसको लेकर ही भागलपुर जिले के अजगैबीनाथ गंगा घाट पर बिजली, पानी और गंगा घाट की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर कांवड़ियों को परेशानी हो रही है। दुकानदारों ने बताया कि अजगैबीनाथ गंगा घाट अभी भी खतरनाक बना हुआ है। बाहर से आने वाले कांवड़ियों को गंगा स्नान करने में परेशानी हो रही है। साथ ही गंगा घाट पर बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है। रात्रि में गंगा घाट पूरा अंधकारमय हो रहता है, जिससे कांवड़ियों को रात्रि में काफी परेशानी हो रही है। हर दिन ही हजारों कांवड़िया गंगा स्नान कर देवघर रवाना होते हैं। मधुबनी के नौलखा महल में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। नौलखा महल का निर्माण मधुबनी जिले के राजनगर में 17वीं शताब्दी में हुआ था। कहा जाता है कि इस महल और भव्य मंदिर को बनवाने के लिए महाराजा रामेश्वर सिंह ने 17वीं शताब्दी में 9 लाख चांदी के सिक्के खर्च किए थे, इसलिए इस महल का नाम नौलखा मंदिर पड़ा। इस महल का मुख्य आकर्षण महल का हाथी पर बनाया गया है। पूरा महल हाथी के आकार के विशाल पिलर पर बना है। जहां जहां भी पिलर की जरूरत थी वहां वहां विशाल हाथी बनाया गया और उसके ऊपर पूरी महल को एक भव्य रूप देकर निर्माण करवाया गया है। 1934 में आए भूकंप में ये महल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद दरभंगा राज के 22वें महाराजा कामेश्वर सिंह ने पुनः इसे संवारा, लेकिन 1988 में आए भयंकर भूकंप में ये महल फिर से ध्वस्त हो गया। वर्तमान में महल के भग्नावशेष अभी मौजूद है।
विपक्ष के बिना सरकार अधूरी। विपक्ष की मांगों को विधानसभा में अनसुना होता देख विपक्षी दलों ने सदन का बहिष्कार करने का फैसला किया। विपक्षी सदस्यों के तेवर बुधवार को भी तल्ख रहे, हालांकि उन्होंने सदन के बाहर ही अपना विरोध दर्ज करवाया। उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद दोनों में पूरे प्रश्नकाल का बहिष्कार किया। इस बीच अध्यक्ष ने कहा कि बगैर विपक्ष के सदन की शोभा नहीं। विधायकों को अपने विधायी कार्यों की जिम्मेवारी पूरी गंभीरता से निभानी चाहिए। अपने क्षेत्र की समस्या से जुड़े सवाल पूछेंगे तो वो अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे। सदन का बहिष्कार करने से अच्छा संदेश नहीं जाता है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष को सदन के अंदर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। पटना जल्द ही बनेगा सुंदर स्वच्छ। बिहार विधान परिषद में बीते दिन तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री सह मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग तारकिशोर प्रसाद ने पटना को साफ सुथरा बनाने का विकल्प बताया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में राजधानी पटना को बेहतर स्थान दिलाने के लिए पटना नगर निगम के द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास और सीवर लाइन की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि निगम क्षेत्र के सभी कम्युनिटी टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। सीमांचल में नदियां उफनाई, कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति। बिहार में मानसून की एंट्री के साथ ही सीमांचल में नदियां उफान मार रही है। कई इलाके तो अब बाढ़ की चपेट में आने लगे हैं। पिछले दो दिनों से हो रही बारिश से सीमांचल में नदियां उफान पर है। इससे पूर्णिया, अररिया और किशनगंज के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। इससे इन जिलों में नदियां तेजी से कटाव भी कर रही है। किशनगंज और अररिया जिले में कई अप्रोच रोड सहित पुलपुलिया और सड़कें कटाव की जद में है। नेपाल में भारी बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। इससे सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले में भी बाढ़ आशंका बढ़ने लगी है। 22 अनुमंडल में डुमरिया और बनगामा समेत एक दर्जन गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं अररिया जिले में सिकटी, पलासी, जोकीहाट और कुर्सा कांटा प्रखंड होकर बहने वाली नूना, बकरा, परमान, रतवा, घाघी, भलुआ, बरजान, लोहंद्रा, सिहिया, लवकटरिया आदि नदियां उफान गई है। मुंबई में बिहार के 7 मजदूरों की मौत पर सीएम नीतीश ने जताया दुख। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कुर्ला में 4 मंजिला इमारत गिरने की घटना में बिहार के रहने वाले 7 मजदूरों की जान चली गई, जिसके बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 मजदूरों की जान जाने पर दुख जताया है। उन्होंने इस घटना को काफी दुखद बताया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस घटना में मृत मजदूरों के शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के मृतक मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार के रहने वाले घायल मजदूरों के समुचित इलाज की भी व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बिहार विधानसभा मार्च से पहले पुलिस और छात्रों में हुई भिड़ंत। बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र सरकार की स्कीम का विरोध सदन से सड़क तक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष ने अग्निपथ को लेकर मानसून सत्र का बहिष्कार कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इस योजना के खिलाफ छात्रों ने बीते दिन विधानसभा का घेराव किया। पटना के जेपी गोलंबर पर पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्राओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दरअसल सैकड़ों की संख्या में छात्र बुधवार को विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सभी को जेपी गोलंबर के पास रोक दिया। पुलिस के रोकने के बाद छात्र आक्रोशित हो गए और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने छात्रों को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान छात्रों और पुलिस के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। काफी देर बाद हालात काबू में किए गए। ओवैसी को बड़ा झटका देने के बाद तेजस्वी ने बताया प्लान। बीते दिन बिहार में एआईएमआईएम की पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जिसके तहत ही ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक राजद में शामिल हो गए। और वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद तेजस्वी ने भी इस मामले में अपनी बात रखी है, जिसके तहत ही तेजस्वी यादव ने कहा कि आज एक बार फिर से राजद सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। ओवैसी की पार्टी के जो विधायक राजद में शामिल हो रहे हैं, उनमें कोचाधामन सीट से विधायक मोहम्मद इजहार असवी, जोकीहाट से विधायक शाहनवाज आलम, बायसी से विधायक रुकनुद्दीन अहमद, बहादुरगंज से विधायक अंजार नईमी है। एआईएमआईएम में अब सिर्फ पार्टी अध्यक्ष अक्सरुल इमान रह गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजद बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल हो गया है। पहले उसके 76 विधायक थे, अब ये संख्या 80 हो गई है। भाजपा फिर दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव का भी बजा बिगुल। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने बुधवार को उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 6 अगस्त 2022 को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है। 5 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। वहीं नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 19 जुलाई 2022 होगी। इसके बाद 20 जुलाई को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जुलाई होगी। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव के लिए अगर मतदान की जरूरत पड़े तो फिर उसके लिए 6 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। डॉलर के मुकाबले रुपए में आई रिकॉर्ड गिरावट। डॉलर के मुकाबले
रुपए में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। करेंसी मार्केट में बुधवार को कारोबार खत्म होने पर रुपए में ऐतिहासिक गिरावट दिखाई दी। एक डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे गिरकर 79.04 रुपए पर क्लोज हुआ। ये पिछले 6 दिनों से लगातार रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब डॉलर के मुकाबले रुपयों में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है, बल्कि इससे पहले मंगलवार को रुपए 46 पैसे गिरकर 78.83 प्रति डॉलर पर रहा। इसका कारण विदेशी पूंजी की बाजार से लगातार निकासी और कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी है। बता दें कि साल रुपया 5.8% से ज्यादा नीचे चुका है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। अदा केपले यूएस में 1870 को लॉ कॉलेज में ग्रेजुएट करने वाली पहली महिला बनी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए आंदोलन करने के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 1914 में पहली बार गिरफ्तार किया गया। भारत के विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए बाउंड्री कमीशन के सदस्यों की घोषणा 1947 में की गई। रविकांत उमाशंकर चौधरी और विमल चंद्र पांडे को 2008 में संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय पत्रकार अनिसुद्दीन अजीज को 2008 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बुक कीपर्स के न्यू बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी का जन्म 1928 में हुआ। भारतीय साहित्यकार नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था। हेड कोच राहुल द्रविड़ ने रोहित शर्मा को लेकर दिया बड़ा अपडेट। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले रीशेड्यूल टेस्ट मैच में रोहित शर्मा के बाहर होने की खबरों के बीच भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भारत के कप्तान की उपलब्धता को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। रोहित शर्मा का बुधवार ही सुबह कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया और वो मैच से पहले फिट होने को लेकर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। द्रविड़ ने 5वें टेस्ट से पहले कहा तो रोहित पर अपडेट ये है कि हमारी मेडिकल टीम उसकी निगरानी कर रही है। वो अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से बाहर नहीं हुए हैं। जाहिर है उसे टीम का हिस्सा होने के लिए कोविड नेगेटिव होना होगा। कार एक्सीडेंट हुआ तो इमरजेंसी नंबर पर खुद लगेगा कॉल। जल्द ही नॉन पिक्सल फोन में कुछ धांसू सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं जो पहले सिर्फ पिक्सल फोन तक ही सीमित थे। गूगल पिक्सल डिवाइस कार क्रैश डिटेक्शन नाम का एक स्पेशल सिक्योरिटी फीचर प्रदान करता है जो दुर्घटना का पता चलने पर ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है। दुर्घटनाओं का पता लगाने के लिए स्मार्टफोन में मोशन सेंसर का उपयोग करने वाली कार्यक्षमता जल्द ही नॉन पिक्सल एंड्रॉयड फोन तक पहुंच सकती है। कथित तौर पर गूगल के लेटेस्ट पर्सनल सेफ्टी ऐप में पाए गए कोड की नई स्ट्रिंग में पता चलता है कि कुछ नए सेफ्टी फीचर्स अन्य एंड्रॉइड फोन्स के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं। कार क्रैश डिटेक्शन फीचर के साथ एंड्रॉइड फोन में क्राइसिस अलर्ट और सेफ्टी चेक फीचर मिलने की उम्मीद है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है मिश्रा बदनान, जीके प्लस, गौतम कुमार, श्वेता रॉय, प्रदीप, गौतम सिंह, रंजीत सिंह, बबिता यादव, जवाहर कुमार, मंगीलाल यादव, कुश कुमार यादव, शंकर मुखिया। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार AIMIM के 4 विधायक को राजद के कुनबे में शामिल करने से क्या राजद और ज्यादा मजबूत होगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।